खबर अब झांसी से आ रही है। झांसी के सबसे बड़े और व्यस्त बाजार सीपरी बाजार में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मलबा हटाने का काम जारी हो चुका है। मार्केट के दोनों ओर का रास्ता बंद कर दिया गया है। कल शाम 6 बजे से रात को 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। दरअसल कल रामा बुक डिपो चौराहे के पास बने बुआर ट्रेडर्स में आग लग गई और बीआर ट्रेडर्स में आग लगने की वजह से आग ने आसपास की दुकानों और मकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना और की मदद भी लेनी पड़ गई, सेना को भी बुलाना पड़ गया। इसके साथ एमपी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी था। आग में फंसकर इंश्योरेंस ऑफिसर रजनी राजपूत की मौत हो गई। पार्किंग में रखे 45 वाहन भी जल गए। अब आपको क्या हुआ पूरी घटना क्रम में बताते हैं। कल सबसे पहले बीआर ट्रेडर्स की दुकान में आग लगी। आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। हालात बेकाबू हुए तो सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। आग में झुलसने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का बुंदेलखंड क्षेत्र का युवा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, इसलिए बताइए कितने लोगों की मौत हुई है? 5 लोगों की मौत हुई है। 12 बजे से 5 बजे तक 5 लोग निकाले गए जी। तो 5 के नाम हैं? हाँ, 5 के नाम हैं। एक रागिनी राजपूत हैं और हृदय तोमर, अनुज आमिर। और उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा का राष्ट्रीय संगठन महासचिव वीएस संतोष की मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई मुलाकात में लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। तब उनके साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। शुरू से कैबिनेट में 3 पद खाली चल रहे थे। फिर मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद अब कुल 4 पद खाली हो चुके हैं। अब चर्चा है कि मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। तो उत्तराखंड से 2 उत्तराखंड के मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बैठक में। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आयोग ने 100 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2022 में भी 80 विषय विशेषज्ञों को निकाला था और इन पर सही काम नहीं करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रश्न पत्रों में गलत सवाल पूछे जाने और गलत विकल्प देने जाने, मूल्यांकन और इंटरव्यू के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए समीक्षा की बात कही। यूपी पीएसी अब संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर से विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा। तो यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेष विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य ना करने पर विशेषज्ञों पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया है। पिछले बार 2022 में भी 80 विशेषज्ञों को बाहर निकाला गया था और हम आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग से 100 विशेषज्ञ निकाले गए हैं और अब यूपी पीएसी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश भर से विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगा। तो यूपी लोक सेवा आयोग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 100 विशेष विशेषज्ञों को निकाला गया है और यूपी गुणवत्तापूर्वक काम ना करने की वजह से ये कदम उठाया गया है। प्रश्न पत्र गलत और विकल्प गलत देने के ऊपर बवाल उठा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना
17 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त है, तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन भी वहां तैनात है, हर तरीके से जांच की जा रही है। एटीएस की टीम ने दो ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ वो किस उद्देश्य से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे थे इसका पर्दाफाश हो सके। लगातार देखिए धर्मांतरण के मामले में सरकार का रवैया काफ़ी सख्त है और कोई भी व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती के साथ और एक गलत नियत के साथ अगर वो धर्मांतरण कराता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत कल एसटीएफ ने 3 और व्यक्ति भी पकड़े हैं। साथ ही साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के लोग जो कि सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण कराते हैं उनके विरुद्ध उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। जी, ये गेमिंग ऐप के तहत बच्चों को बहला फुसला के धीरे धीरे एक धर्म विशेष की तरफ ले जाना और एक ये सुनियोजित साजिश के तहत चीज़ें की गई हैं। नहीं, सावन को लेके पूरी सतर्कता है और इस संबंध में शासन के द्वारा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जगह जगह जाके इस संबंध में मीटिंगें की गई हैं। आज भी प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी के द्वारा स्वयं यहाँ पे गोरखपुर में आके गोरखपुर तथा बस्ती मंडल के सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और हवन भी किया। इससे पहले उन्होंने रेल डाक सेवा के नए भवन, प्रदेश के अत्याधुनिक और हाईटेक थानों में से एक गोरखनाथ थाना और एम्स थाना भवन का लोकार्पण किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी का गोरखपुर दौरा चल रहा है जहां पर उन्होंने हवन पूजन किया और गोरखपुर में बना यूपी का सबसे बड़ा थाना अध्यात्म और हाईटेक थाना बना है जिस पर 17 लाख की लागत लगी है। गोरखपुर मंदिर में हवन और पूजन करते हुए दिख रहे हैं सीएम योगी। गोरखपुर में बना यूपी में सबसे हाईटेक थाना कानून का शासन सुशासन की पहली शर्त है, ये कह रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा देख सकते हैं जहां उन्होंने हवन पूजन किया और गोरखपुर में बना है यूपी में सबसे हाईटेक सबसे अत्याधुनिक थाना जिसको 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, योगी का गोरखपुर दौरा जो है वो संपन्न होता दिख रहा है जहां उन्होंने यज्ञ किया, पूजा किया, आराधना की और उसके बाद 2 थानों का लोकार्पण किया। एक एम्स थाना है और दूसरा है गोरखनाथ जहां उन्होंने जलाभिषेक किया और हवन पूजन किया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा जिसमें से एक दौरे में एक काम था लोकार्पण का जो संपन्न हुआ आज गोरखपुर में बना यूपी में सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक थाना। और आज से सावन की शुरुआत हो गई है और इस बार कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात रहेगी। हरिद्वार, लक्सर और ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर भी एटीएस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ भी मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सभागार में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस के पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग हुई थी।
कांवड़ मेले के दौरान सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेले मेला क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को एक सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ ही हर स्टेशन पर 120 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो सावन शुरू होने पर सारी तैनाती की गई है, आरपीएफ से लेकर के एटीएस तक की तैयारी की गई है और सावन के पहले दिन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, जिसको देख करके जिसके मद्देनजर अब वहां पर पुलिसकर्मियों की, आरपीएफ की, जीआरपी की और एटीएस की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना को समर्पित पावन मास श्रावण आज से प्रारंभ हो रहा है। अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक कांवड़ यात्रा के पुण्य भागी सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। लोक मंगल के ध्येय से पूर्ण परिपूर्ण इस यात्रा के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ओम नमः शिवाय। तो सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है, सावन मास की शुभारंभ पर यह ट्वीट। उत्तरकाशी में कांवड़ में जल भरने के लिए कांवड़िये पहुंचने लगे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को सतर्क कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा में भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस बार अप्रैल से लेकर 15 जून तक चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की खूब भीड़ उमड़ी हुई थी। अब ऐसी भीड़ की उम्मीद कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिल सकती है। अभी 40 से 50 कांवड़ यात्री हर दिन गोमुख जल भरने के लिए जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। गोमुख में गंगा जल भरने के लिए एक दिन में केवल 150 कांवड़ यात्रा ही गोमुख से जल लेने के लिए जा सकेंगे। तो कांवड़ में जल भर के श्रद्धालु निकल चुके हैं, भारी तादाद में लोग वहां निकल रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 150 कांवड़ यात्री ही गोमुख से जल लेने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में अन्य यात्री वहां पहुंचे हुए थे, अब कांवड़ यात्रियों की भी संभावनाएं इतनी ही बढ़ गई है और गोमुख से जल भरकर कांवड़िये लौट रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि भारी तादाद में कांवड़िये इस बार पहुंचेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन भी अपनी इंतजाम पूरे कर चुकी है। तमाम तैनाती की जा रही है ताकि कोई भी यात्री, किसी भी यात्री को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ यातायात को भी लेकर के प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं ताकि ट्रैफिक पे भी परेशानी ना हो सके। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कांवड़िये जल भरकर श्रद्धालु निकल चुके हैं। यूपी में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बुलंदशहर में जहां पानी से गर्मी से राहत मिली, रायबरेली में तेज बारिश से ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्ले की सड़कें तालाब बन गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां बुलंदशहर में राहत की तस्वीरें दिख रही है, वहीं रायबरेली में आफत की का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव देखने को मिल रहा है। इस बार भीषण गर्मी पड़ी थी और हर किसी को बारिश की का इंतजार था। बुलंदशहर में जहां लोग मौसम का मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में आफत का मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल भराव है, पानी घर में घुस गए हैं और साथ ही साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और नगर पालिका का की पोल खुलती हुई साफ दिख रही है। नाले और नालों की जर्जर स्थिति सामने है। किस तरीके से नालियों में सफाई ना होने की वजह से हर तरफ जल भराव का मंजर देखने को मिल रहा है। रायबरेली की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें सीधी आपके सामने हैं, जहां एक तरफ बुलंदशहर में लोगों ने राहत की सांस ली गर्मी से, बारिश की वजह से, वहीं दूसरी तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रायबरेली में आफत आई हुई है, हर घर में पानी घुस रहा है, भरे नाला, तालाब और
नालों की वजह से ऐसी परेशानी हो रही है और नगर पालिका की पोल सीधी खुलती हुई दिख रही है। यूपी में हुई बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है। बुलंदशहर में बारिश से लोगों की को गर्मी से राहत मिली। झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुलंदशहर में लोगों ने राहत की सांस ली। तापमान में आई गिरावट की वजह से लोग गर्मी से थोड़े से राहत महसूस कर रहे हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बुलंदशहर में गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। रायबरेली में बारिश से लोगों को की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि तापमान इतना बढ़ चुका था कि लोगों के लिए बाहर निकलना तक दूभर हो गया था। अब मौसम सुहाने होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। जहां एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है बारिश से, तो वहीं दूसरी तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। रायबरेली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। पहली तेज बारिश के बाद मोहल्लों की सड़कें तालाब बन गई हैं। नदियों की तरह सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा है। इंदिरा नगर सहित कई मोहल्लों के घरों में घुस रहा है सीवर का गंदा पानी, और पहले से तैयारियां नहीं होने से लोगों को समस्याओं का सामना देखने को मिल रहा करना पड़ रहा है। अमृत योजना के तहत खुद चुकी सड़कें भी लोगों के लिए आफत बन चुकी हैं। अमृत योजना के तहत खुदी सड़कों के गड्ढों में भरा पानी साबित हो सकता है, और ये साबित जानलेवा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रोड्स भी खुदे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, और नदी किनारे बस लोगों के को बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शनिवार की रात 10 बजे गंगा का जलस्तर 59.32 मीटर दर्ज किया गया था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से लोग अपने बचाव के लिए, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची हुई है। खबर मसूरी से है, जहां पे छावनी परिषद में महिला पर बदमाशों ने हमला कर लूट की कोशिश की है। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद बदमाश मौके से भागने में फरार हो गए, और पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच हो चुकी हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाश ने महिला पर जानलेवा हमला किया, किसी तरीके से महिला ने अपनी जान बचा ली। बदमाश ने हमला किया, और आप देख सकते हैं महिला ने फिर पुलिस से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था, और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहाँ तक खींच के ले गया और ज़मीन पर एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई, फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया, वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला। और फिर मेरे को इतनी जोर की धक्का दिया कि मेरा सर जमीन पर लगा, और मेरा इतना ज़्यादा फूल गया सर कि मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर रात को ही हम हॉस्पिटल गए, मैं अपनी होश और हवास में नहीं थी, मेरे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई की जाए, आखिर कौन था जो घर के पास आके इतना बड़ा काम करके गया है।
क्या बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता उनमें से ही कोई हो ना, वो हो सकता है यहीं का है, कहाँ का है, ये सब पता चलना चाहिए, इनका सबका सत्यापन होना चाहिए, कौन कहाँ से आ रखा है, कौन क्या करता है, सब पता होना चाहिए। जो मेरे साथ आज हुआ है, कल के दिन दोबारा भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी भी हेल्प की जाए, मुझे भी पता चले कि कौन था जो मुझ पर ऐसा जानलेवा हमला कर रहा था। हुआ तो बहुत गलत है, रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इनके इसमें जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने, अभी लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको उसे दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज़ आई है, उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी ज़ोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है जी। अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ के? उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला, और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि ये तो किराएदार हैं बहुत सारे, बाहर के लोग हैं, अब कौन कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, किसी कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा, तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं, हम मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर अब कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया, खतरा बढ़ रहा है, और ऐसे आज मेरी वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।